हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूम टॉय। सो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अगर आप हमारा टॉयज का वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जाइए जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि जब भी मैं कोई सा नया टॉयज का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूवर्स बन पाएंगे और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। तो जाइए बिना किसी देर के अभियान जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का जो मैं टॉयज का वीडियो लेके आया हुआ कमाल धमाल जमाल माला माल और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कलेक्शन ऑफ मिलिट्री टैंक। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं आपके लिए दो मिलिट्री टैंक लेके आया हूँ। दोनों टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है, सारी चीजें अलग है और दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको दोनों को चला के बताऊंगा, दोनों का रिव्यू दूंगा, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, क्या आपको परचेस करना चाहिए। तो जाइए अभी भी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दो। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कलेक्शन ऑफ टैंक। तो आज मैं आपके लिए दोनों टैंक लेके आया हूँ, तो आपको दोनों को दिखा देता हूँ बारी बारी से। ये वाला टैंक आप देख सकते हो, ये कमाल का दिख रहा है, इसमें लाइट वगैरह भी है और मिसाइल वगैरह जो जैसा लग रहा है कि फायर ही करने वाला है। यहाँ पे देखिए पीछे इसके फ्लैग भी दे रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी लुक एंड फील में है। मेरे पास एक और जो टैंक है उसको भी आप देख ही लीजिए, देखिए वाह है ना कमाल का। ये वाला टैंक भी काफ़ी कमाल का दिख रहा है, काफ़ी कमाल धमाल दिख रहा है और ये भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी गोला फेंकने ही वाला। तो इन दोनों के हम रिव्यू करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए जल्दी से हम इनके रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पिक करूँ मेरा कौन सा वाला, ये वाले टैंक को मैं सबसे पहले पिक कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ जरा सा साइड में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो टैंक है ये कमाल का दिख रहा है, पूरा मिलिट्री कलर का दे रखा है। इसके टायर देखिए, इसके टायर जो है काफ़ी यूनिक है, देखिए बीच में ब्रश काफ़ी ऊंचे नुकीले इसके टायर दिख रहे हैं आगे के पीछे के सारे। और इसकी देखिए मिलिट्री कार दे रखा है, यहाँ पे फ्रंट में लिखा हुआ है इसकी नंबर प्लेट पे, बैक साइड में भी यही लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं बैटरी लगाने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से हम इसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं। और फ्रंट लुक देखिए आप इसका, ऐसा लग रहा है कि दो मिसाइल अभी मेरे ऊपर आने वाली है और यहाँ से लाइट वगैरह भी मुझे लगता है जलती होगी, आई होप सो इस तरीके से होगा। लेकिन इसका जो लुक है और इसका जो प्लास्टिक वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी रफ एंड टफ मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आपको मिलिट्री टैंक चाहिए टॉयज इस तरीके के। और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस का, सॉरी मैं आपको इसकी प्राइस बताना भूल गया, कि मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ में। वाह है ना कमाल का, मुझे 150 रुपये में अच्छा टैंक मिल गया। देखिए आप इसका लुक देखिए, वाह कमाल का है, एकदम गजब है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इसको चला के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर खास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें बैटरी लगाने का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया है, खुल जाओ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दो डबल ए साइज की बैटरी लगाने का ऑप्शन है, तो मैं अभी गया और आपके लिए दो डबल ए साइज की बैटरीज लेके आ गया। तो जैसा कि मैं आपको सामने लेके आ गया हूँ दो डबल ए साइज की बैटरी, तो अब इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगी है और दूसरी को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। वाह दोनों लग चुकी है और अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, देखते हैं किस तरीके का यह परफॉर्मेंस देती है, किस तरीके की चलती है। देखिए ओह देखिए इसकी लाइट भी जल रही दिख रहा होगा आपको, इसके टायर देखिए ऑटोमेटिक हो गया, मुझे लगता है पल्टी मार एक टैंक है। देखिए ओ देखा होगा आपको, यहाँ से हम पल्टी मार के देखिए इसको फिर से देखिए, ओ वाह पल्टी मार टैंक है, यहाँ पे पल्टी मार के फिर से चलने लग गया। देखिए आप इसको, ओ हो जा सही, ओ हो गया उधर गिर जाता, फिर से हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको देखते हैं इस तरीके से चलता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलता। देखिए ओ ये इसको भी गिरा देगा हमारे, देखिए इसको इस तरीके से मैं चलाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसको मैंने यहाँ से ऊँचा करा, नहीं चल पाया, इसको नीचे गिरा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए वाह देखिए पलटी मार रहा, देखिए यहाँ पर आप हाथ रखिए इसको, इसको जैसे आप नीचे गिराओगे ये देखिए अपने आप इस सही होने के ट्राई करेगा, देखते हैं कब तक हो पाता है ये। ऑटोमेटिक आई थिंक हो गया, उधर गिर जाता वो, तो मैंने उसको फिर से पकड़ लिया यहाँ पे। देखिए काफ़ी कमाल का दिख रहा है, काफ़ी कमाल धमाल दिख रहा है। चलिए इसका हम जो और ट्राई करते हैं, इसको भी चलने देते हैं। रोटेट हो रहा है, मुझे लग रहा है हो गया सही, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। देखिए वाह काफ़ी पावर है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया ये मिलिट्री टैंक तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपने इसको पहले यूज़ करा तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ और आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, तो दूसरों तक भी वो एक्सपीरियंस सबका जाए। तो चलिए इसको मैं रख देता हूँ अभी साइड में और अब हम पिक करते हैं हमारे अगले टैंक को, जो हमारा ये वाला है। देखिए
वाह, ये जो है हमारा रिमोट कंट्रोल वाला टैंक रखा है यहाँ पे, इसको आगे इस तरीके से चलेगा इन दोनों बटन की वजह से। और ये जो है ये देखिए इस तरीके का। तो चलिए इसको हम चला के दिखाएंगे। तो पहला मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। मुझे पता है कि आप इसकी प्राइस जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट में परचेस करा है। ओनली 100 रुपये में मुझे ये मिल गया हमारा टैंक, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी कमाल धमाल वाला टैंक मिल गया मुझे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये 100 रुपये में जो हमें टैंक मिला वो काफ़ी अच्छा आपको पसंद आया होगा। मैं आपको इसका रिव्यू भी करके बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह का टैंक पहले से, तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता दो। जैसा कि आप देख रहे हो इसको, इसका जो प्लास्टिक है उस टैंक के मुकाबले हल्का सा, मतलब हल्का है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसको घुमा भी सकते हैं, रोटेट हो सकती है, यहाँ से गोली वगैरह भी फायर होगी मुझे लगता है, यहाँ पे लाइट वगैरह भी जलती होगी आई थिंक सो। यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से चलाएंगे, नहीं यहाँ पे चलाने के लिए आपको दिख रहा होगा ये पहिए यहाँ पे दे रखे हो। यहाँ पे देखिए ये पहिए जो है ना, ये पीछे वाले पहिए रोटेट होंगे तो ये आगे वाले ऑटोमेटिक मूव होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैटरी लगाने का कुछ भी ऑप्शन दे रखा है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये दे रखा है हमारा रिमोट दे रखा है, तो इस रिमोट के अंदर हमें बैटरी को फिट करना होगा। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ओ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डबल ए साइज की बैटरी लगेगी, तो मैं भी गया और 2 डबल ए साइज की बैटरी लेके आ गया। ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और अब इन दोनों को हम यहाँ कर देते हैं फिट। ये देखिए एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और दूसरे को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अब देखिए इन दोनों को हमने कर दिया है यहाँ से फिट हो चुके हैं। ये देखिए ये लग चुके हैं, और अब उसके बाद अब हम इसको चलाएंगे और इसको चला के देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको पहले यूज़ कराया कहीं पे, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास पहले से तो आप मुझे कमेंट करके बता ही दीजिए। तो चलिए अभी हम नीचे चलते हैं, इसको नीचे चला के बताएं, क्योंकि हमें इसके साथ वायर के साथ 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 चलना भी होगा, हम इसको आगे पीछे इस तरीके से दबाएंगे। तो अभी हम इसको नीचे आपको चला के बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखें। तो लेट्स गो। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओ वाओ, जैसा कि आपने इन दोनों टैंक के परफॉर्मेंस देख लिए, कितने तेज चलते हैं, कितना फास्ट चलता है। ये वाला जो हमारा गुलांटी खा के गोल गोल घूमते हुए चलता है, ये तो एकदम यूनिक और कमाल धमाल। ये वाला जो टैंक है सीधे आगे जाया करता है, आगे और पीछे, यहाँ पे 2 बटन दे रखे, इसको दबाओगे तो आगे जाएगा, इसको दबाएंगे तो पीछे जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कमाल धमाल मचाने वाले हमारे टैंक है, और आई होप आपको हमारे दोनों टैंक पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताया कि इन दोनों टैंकों में से आपका फेवरेट टैंक कौन सा है। भाई मेरे तो दोनों ही फेवरेट है, लेकिन ये वाला जो टैंक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ेदार लगा, और काफ़ी अच्छी तरीके से गोल गोल घूमता है। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये सिर्फ आगे और पीछे होता है, और इसको हम यहाँ से रिमोट से चला सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका तार काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है, तो इसके साथ साथ हमें आगे पीछे चलना होता है। आप चाहो तो इसके वायर को लंबा भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कभी इसके टैंक को खोल के कि किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट वॉट एवर जो करता कर दो, लेकिन इसको फैला दो, तहलका मचा दो। तो चलिए मैं आपको इन दोनों की प्राइस फिर से बता देता हूँ कि ये वाला जो टैंक था हमारा, इसको 150 रुपीज में मैंने परचेस करा था, और ये वाला जो टैंक था इसको 100 बोले तो 100 रुपये में मैंने इस टैंक को परचेस करा था। तो चलिए आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।